प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल एराइल हैलाइड कि आपके जो एराइल हैलाइड हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले अब हम नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग आपकी जो रिएक्शन है उसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपका होगा क्या कि सबसे पहले आपका एराइल हैलाइड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम एटम प्लस एल्काइल हैलाइड। क्या क्या लिए जाएंगे आपका आपका एक तो लिया जाएगा एराइल हैलाइड, मतलब एराइल हैलाइड का मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ आपका हैलाइड। फिर क्या लिए जाएंगे आपके 2 सोडियम मेटल, मोल कितने मोल लिए जाएंगे 2 मोल सोडियम मेटल। फिर लिया जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में, ड्राई इथर। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, सिंपल मान लेते हैं आपका एल्काइल हैलाइड है बेंजीन और उसके साथ एक्स आपका हेलोजन, एक्स आपका हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन। फिर क्या लिया आपने, 2 ली सोडियम मेटल एन। किसके साथ रिएक्ट करना है, CH3X, CH3X, X यहाँ पे भी आपका क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस। सिंपल आपकी रिएक्शन क्या है कि सिंपल आपका कोई भी एराइल हैलाइड है रिएक्ट विद सोडियम मेटल, कितने मोल सोडियम के, 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल। किसके साथ, मिथाइल हैलाइड, ये क्या आपका कोई भी मिथाइल हैलाइड, CH3X, X आपका क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। कंपाउंड क्या बनेगा आपका, कंपाउंड सिंपल सा आपका क्या बनेगा कि आपके जो ये सोडियम मेटल है इनको Na+Na लिख सकते हैं, 2 Na, एक Na इस X के साथ निकल के बना जाएगा NaX, एक Na इस X के साथ बन जाएगा NaX, तो बन जाएंगे आपके 2NaX+। ये CH3 आप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, CH3 बेंजीन के साथ। या सिंपल अगर आप यहां पे भी RX लो, क्या यूज कर सकते हैं हम, RX, क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल RX भी यूज कर सकते हैं। R आपका क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, R आपका क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, आपका कोई भी क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और सॉल्वेंट आपका लेना ड्राई इथर, क्या लेना आपका, ड्राई इथर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेंजीन प्लस CH3, या बेंजीन के साथ अगर हम सिंपल आर लेंगे तो बेंजीन के साथ आपका मिल जाएगा आपको आर, क्या मिल जाएगा आपका आर। आर का मतलब आपका सिंपल एलिफेटिक, आर का मतलब क्या, एलिफेटिक है, और बेंजीन आपका बेंजीन के साथ आपका एलिफेटिक। जैसे सिंपल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप सिंपल लेते हैं Cl+Na2Na+CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो क्या बन जाएगा आपका, एक Na इस Cl के साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा, NaCl, एक Na इस Cl के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो 2 तो आपके NaCl बन जाएगा, 2 क्या बन जाएंगे आपके NaCl। CH3 बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ CH3, और इसका नाम होता है टोलीन, क्या नाम होता है, टोलीन, क्या नाम होता है इसका, टोलीन होता है। सिंपल सा सिंपल क्या हुआ आपका कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या आपका, मिथाइल क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा आपका, एरोमेटिक बेंजीन के साथ आपका CH3 ग्रुप, तो टोलीन बन जाए, क्या बन जाए आपका, टोलीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या बोल सकते हैं इसको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन भी हम इस रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिंपल सा ये क्या आपका, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोमीथेन टू फॉर्म टोलीन प्लस NaCl प्लस NaCl। ये रिएक्शन थी आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन का नाम है आपका फिटिंग रिएक्शन।
सेकेंड रिएक्शन का नाम आपका फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम आपका? फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा आपका? टू आपके एराइड हैलाइड होंगे और टू मोल ही आपकी क्या होंगी? सोडियम मेटल हो। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या आपका एराइड हैलाइड कितने मोल? टू मोल। सोडियम मेटल टू मोल। क्या किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बना देगा आपका? एराइल हैलाइड, एराइल प्लस एराइल। क्या बन जाएंगे? एराइल प्लस एराइल। मतलब सिंपल सा एराइल, दो एराइल ग्रुप आपके जुड़ जाएंगे, या सिंपल हम बोल सकते हैं बाइफिनाइल। क्या बनेंगे आपके? बाइफिनाइल। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एराइल हैलाइड ले लिया आपने सिंपल सीएल, कितने मोल? टू मोल। किसके साथ? टू सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस। तो क्या बन जाएंगे आपके? दो बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगे, एक बेंजीन रिंग और एक बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं आप इसको? बाई फिनाइल रिंग। बाई फिनाइल रिंग, बाई फिनाइल रिंग, या बाई फिनाइल की प्रिपरेशन। बाई फिनाइल क्या बोलेंगे? सिंपल बाई फिनाइल। बाई फिनाइल क्या बन जाएगा आपका? बाई फिनाइल। सिंपल क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन कितने मोल? टू मोल। रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होगी कैसी रिएक्शन देखो, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं? क्लोरीन कितने टाइम है? दो बार है तो दो क्लोरीन। सोडियम कितने हैं? दो सोडियम, तो एक एन ए प्लस एक एन ए। एक एन ए इस सीएल के साथ मिलकर एन ए सी एल, एक एन ए इस सी एल के साथ मिलकर एक एन ए सी एल। दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगी? बाई फिनाइल रिंग। बाई फिनाइल रिंग। सिंपल हमने पहली रिएक्शन पढ़ी वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में हमने क्या बनाया कि आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कॉम्बिनेशन बनाया, सिंपल सा नाम क्या था उसका? टोलिन। जैसे आप टोलिन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? बाईफिनाइल। क्या बना सकते हैं? बाईफिनाइल, कि दो बेंजीन रिंग आपकी कनेक्ट हो जाएं उस प्रोसेस के द्वारा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कई बार आपकी जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है वहां पे आपके वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर ही कई बार आपका एक नेम रिएक्शन आ जाती है जिसका नाम है उल्मान रिएक्शन। क्या नाम है उसका? उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। अब उल्मान रिएक्शन के अंदर आपका क्या है कि कोई भी आपका एराइल हैलाइड है एक्स, कोई भी एक्स आपका क्लोरीन भी हो सकता है और एक्स आपका ब्रोमीन भी हो सकता है। कितने मोल है? टू मोल। अब किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस। और किस क्या बनेगा आपका? ड्राई ईथर। क्या? ड्राई ईथर। कॉपर की प्रेजेंस में लेंगे तो कॉपर आपका क्या बन जाता है? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देता है? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर की मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी प्लस 2 रहती है। कॉपर क्या कहां देता है आपका? Cu2 पॉजिटिव। तो यहां पे भी आपका क्या होगा कि एक आपका एक कॉपर इस एक एक्स के साथ मिल जाएगा। तो एक कॉपर के लिए, एक कॉपर को आपको स्टेबल बनने के लिए कितने एक्स चाहिए? 2x। कितने एक्स चाहिए? 2x। तो यहां पे बन जाएगा आपका दो बेंजीन रिंग आपकी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, फिनाइल बन जाएगा और साथ में बन जाएगा आपका CuX। क्या बन जाएगा? CuX, कॉपर क्लोराइड। क्या बन जाएगा आपका? कॉपर क्लोराइड। तो सिंपल आपका उल्मान रिएक्शन का भी नाम क्या है कि एराइल हैलाइड रिएक्ट विद कॉपर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगी आपकी? बाई फिनाइल। बाई फिनाइल। क्या बन जाएगा आपका? बाईफिनाइल। तो बाईफिनाइल की प्रिपरेशन के लिए दो नेम रिएक्शन होती है, एक का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन और सेकंड का नाम होता है उल्मान रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के अंदर आपकी सोडियम मेटल यूज की जाती है और उल्मान रिएक्शन के अंदर आपकी कॉपर मेटल यूज की जाती है। और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? प्लस टू। कौन सी होती है? प्लस टू।